Assalamu alaikum and hi to all watching this video. First of all, I want to welcome to those person who are watching this video. सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं. And always I have been saying that हमेशा हम कह रहे हैं कि वो ही इस वीडियो को देखते हैं जो पढ़ाई के दीवाने होते हैं. Who are the founder of education? Those click and open and those study. Okay. Today also, आज भी हमें सीखना है ग्रामर. Today also we have to learn grammar. The biggest part of the grammar, the biggest division of grammar today we have to learn. Which part is the hardest to understanding for learning? That part we have to learn today. वो हिस्सा हमें सीखना है जो सीखने में मुश्किल जाता है. That part name is a degree. उसका नाम है degree. उस part का नाम है degree. Today we have to learn degree. Okay. Degree, listen carefully and listen and learn. Degree, what's the meaning of degree? Degree has not mean. Degree is a name of grammar. Grammar, okay. Grammar का नाम degree है. इसका कोई माना नहीं है. Degree एक हिस्से का नाम है grammar के. आज हमें degree सीखना है. ध्यान से और carefully सुनना. और केयरफुली सीखना. ओके, दिस वीडियो सो, दिस क्लिप सो, दिस ग्रामर सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टूडेंट्स, नॉट फॉर इम्पोर्टेंट टू स्पीकर. बात करने वालों के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बात सीखने वालों के लिए भी नहीं. लेकिन इंग्लिश जिसे ग्रामर की ज़रूरत हो उनके लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लड़के जाते हैं उनके लिए ये ग्रामर ज़रूरी है. जो एग्ज़ाम्स देते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम मीन्स न्यू सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है. ये ग्रामर, दिस ग्रामर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हाउ टू मेक पॉजिटिव टू कंपेरेटिव सुपरलेटिव, हाउ शुड मेक, ये कैसे बनाएंगे समझ में आएगा. डिग्री, इफ वी सेट द डिग्री देन थ्री नेम्स कम इन द माइंड. यस, Everybody knows that those names. Just I said, अभी हमने कहा, हमने डिग्री कहा कि तीन नाम हमारे माइंड के अंदर आते, थ्री नेम्स आते, डिग्री, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. ये थ्री नेम्स कम इन द माइंड क्विकली सडनली. ओके, ये तीन नाम हमारे माइंड के अंदर आते. लेकिन इसके आगे क्या है? डिग्री कहाँ यूज की जाती है? डिग्री कब यूज की जाती है? डिग्री क्यों यूज की जाती है? हम बातों में कौन सी डिग्री में बातें करते हैं ये हमें पता नहीं. कौन सी डिग्री में हम कौन सी बात करते हैं? हम लोग बहुत सारे तीन डिग्री में, हमने कहा थ्री डिग्रीज में भी हम डेली बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं. सवेरे से शाम तक कई बातें होती है डिग्रियों में होती है. कैसी कैसी डिग्री, कौन सी डिग्री में होती है हमें पता नहीं. कभी ध्यान देते नहीं, इसलिए इधर हमारा ध्यान जाता नहीं कौन सी डिग्री में कौन सी बातें करते हैं. डिग्री एक्चुअली व्हेन शुड यूज, हाउ शुड यूज, व्हाई शुड यूज एंड व्हाट फॉर यूज द डिग्री. डिग्री किसके लिए यूज की जाती है, कई के लिए यूज की जाती है. डिग्री यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव ऑफ पर्सन, एडजेक्टिव ऑफ पर्सन, एनी वन पर्सन एडजेक्टिव वी हैव टू एक्सप्रेस देन दैट फॉर एडजेक्टिव द फॉर दैट पर्सन एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग यूज द डिग्री. किसी शख्स की खासियत सिफत कहने के लिए डिग्री का इस्तेमाल होता है. सिफत कहने के लिए, जरा केयरफुली सुना, किसी भी शख्स की सिफत को दिखाने के लिए डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है. अब कौन सी डिग्री? अब नाउ लिसन केयरफुली, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. सिफत की तीन शक्लें होती है, सिफत की तीन शक्लें. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के थ्री काइंड्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं. यस, मीन्स सिफत के तीन प्रकार होते हैं, विशेषण के तीन प्रकार होते हैं, सिफत के तीन शक्लें होती है. सिफत के तीन शक्लें होती है. आई थिंक वी आर लिसनिंग दिस फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं हम कि सिफत की भी तीन शक्लें होती है. फर्स्ट हमारे ख्याल से कि हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. सिफत की तीन शक्लें होती है, इसके पहले हमने कभी सुना नहीं, ऐसा लगता है हमें. सुनने वाले भी सोच रहे होंगे हाँ सिफत की तीन शक्लें, ये हमें पता नहीं था आज तक. लेकिन आज हमें सीखना है सिफत की तीन शक्लें. तो सिफत दिखाने के लिए डिग्री का इस्तेमाल होता है.
और डिग्री की तीन शक्लें हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन शक्लें और ये जो तीन डिग्रियां हैं, इन तीनों डिग्री में बातचीत हम कितनी बार करते दिन में से हमें पता नहीं। अब सबसे पहले सिफत किसे कहते हैं? सिफत उसे कहेंगे, विशेषण उसे कहेंगे, किसी के बारे में कोई अच्छी बात करना या तो बुरी बात करना, तारीफ करना, किसी की तारीफ करना। तारीफ, there are two kinds of admiring, तारीफ, praising तारीफ, praise तारीफ करना, admire तारीफ करना, there are two kinds of admiring। तारीफ की दो शक्लें होती है, ये भी हम फर्स्ट टाइम ही सुन रहे आई थिंक, इसके पहले कभी पता ही नहीं। तारीफ करते ये हमें पता है, तारीफ की दो शक्लें होती है ये पता नहीं था, आज सुना। तारीफ की दो शक्लें होती है, एक शक्ल होती है अच्छी तारीफ, दूसरी शक्ल होती है बुरी तारीफ। तारीफ किसी के बारे में अच्छा ही बयान करना, किसी के बारे में बुरा ही बयान करना, तारीफ की दो शक्लें, या तो अच्छा ही या तो बुरा ही, ये दोनों भी तारीफ है, अच्छी तारीफ बुरी तारीफ। यस, किसी आदमी के बारे में अच्छा कहना ये भी तारीफ है, किसी आदमी के बारे में बुरा कहना ये भी तारीफ ही चाहिए। ये तारीफ की दो शक्लें। तारीफ के अंदर जो बातें करते हैं हम, वो अंकल अच्छे है, अंकल के बारे में सिफत क्या बयान की, अच्छे है ना, वो अंकल थोड़ा मिजाज के अच्छे नहीं है। उनके बारे में, वो अंकल के बारे में क्या है, उसके मिजाज के अच्छे नहीं, ये उनकी खासियत बयान की, सिफत बयान की। और वो आंटी थोड़े बड़बड़े, आंटी के बारे में सिफत क्या बयान की, बड़बड़े है ना। देखो, और वो जो दीदी है ना, दीदी बहुत ही खामोश है, वो दीदी खामोश है। दीदी के बारे में खासियत क्या बयान की, सिफत खामोश है ना। वो लड़का लंबा है, लड़के के बारे में क्या बयान किया, सिफत लंबा। वो लड़का कम खत का गिड्डा है, उस लड़के के बारे में क्या बयान किया, गिड्डा है, गिड्डा मीन्स कम खत का। उस लड़के के बारे में सिफत क्या बयान की, कम खत का है। और वो ग्रैंडपा मीन्स नाना को भी ग्रैंडपा कहेंगे, दादा को भी ग्रैंडपा कहेंगे, ग्रैंडपा। अब पहले कहते थे ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर का जमाना गया। यस, अब जमाना चल रहा पा, पामिस डैडी, पामिस अब्बा। अब ग्रैंड पामिस दादा जान को भी ग्रैंडपा और नाना जान को भी ग्रैंडपा। यस, याद रखना, देखने वालों के लिए सबक है, ग्रैंडपा दादा जान को भी ग्रैंडपा और नाना जान को भी ग्रैंडपा। ओके, तो वो ग्रैंडपा, अगर सिर्फ वो ग्रैंडपा मोटे, वो दादा जान मोटे, दादा जान के बारे में सिफत किया बयान की, मोटे। दिस ग्रैंडपा इज थिन, ये नाना जान दुबले, नाना जान के बारे में सिफत किया बयान की, दुबले। तो ये जो बातों हम कह रहे हैं, वो अच्छा है, इन्हें बुरा है, वो बड़बड़ा है, ये गिड्डा है, ये मोटा है, वो दुबला है, हाँ, ये मोटी आंखों वाला है, वो बड़बड़ा है, ये खामोश है, ये मुक्का है, ये बहरा है, ये जो चीज़ें बातों में हम करते ना, किसी के बारे में मालूम देते ये ऐसा है वैसा है, तो इसी बातों को कहते हैं डिग्री, कौन सी डिग्री, ये डिग्री होती है पॉजिटिव, किसी को किसी के बारे में मालूम दे रही है ऐसा है, उन्हें वैसा है, उन्हें ऐसी है, उन्हें वैसी है, उन्हें वो है, उन्हें ये है, ये सारी बातें जो मालूम दे रहे हम, तो ये सारी बातें कौन सी डिग्री में करते हैं हम, ये सारी बातें करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। ओके, समझ गए ना, ये पॉजिटिव डिग्री की बातें होती है। सिफत की तीन शक्लें हमने कहा था, किसी की सिफत बयान करना, या तो अच्छा ही बयान करना या तो बुरा ही बयान करना, यही पॉजिटिव डिग्री है, यही बातों में जो यूज करते हैं वही पॉजिटिव डिग्री है। अब सिफत जो बयान कर रहे हैं, उन्हें अच्छा है, इन्हें बुरा है, उन्हें दुबला है, उन्हें मोटा है, यस, वो मोटा है, वो दुबला है, वो कम खत का है, वो लंबा है, वो बड़बड़ा है, वो मुका है, ये सारी पॉजिटिव डिग्री हुई, ये सिफत बयान की हमने। अब इस सिफत को अब कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, अब कभी सेंटेंस हमारे एग्जाम में आता, चेंज इन टू द कंपेरेटिव डिग्री, सेंटेंस चेंज इन टू द कंपेरेटिव डिग्री, सेंटेंस को कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करो, ऐसा आता कभी क्वेश्चन आता क्वेश्चन। अब सुनना, पहले पॉजिटिव तो हमने सीख गए, अब ना सीखे तो इसे बार बार इस वीडियो को पीछे ले लेकर
टेक बैक एंड वॉच, टेक बैक एंड वॉच, यस बैक एंड वॉच, बैक एंड वॉच पीछे ले लेकर देखो, यस तो समझ में आ जाएगा। ओके बाकी टीचरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो को अगर बार बार समझे तक देखेंगे आप कंपेरेटिव कैसे बनाना है। क्वेश्चन में क्या आ रहा कि चेंज इन टू दी कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव में चेंज करो। आप जैसे अभी हमने पॉजिटिव सीखा, ये लड़का अच्छा है, ये चाचा अच्छे हो, नाना अच्छे हो, नानी अच्छे हो, लड़की अच्छी हो, बच्ची अच्छी हो, बहन अच्छी हो, चाची अच्छी है, अच्छा अच्छा सिफत क्या बयान किया, क्या किया हम, क्या बयान किया अच्छा। अभी इस अच्छे को हमें कंपेरेटिव में चेंज करना है। अब अच्छे को जिसके बारे में हमने तारीफ बयान की, उस शख्स को किसी दूसरे से मिलाकर बात करना पड़ेगा कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए। कंपेरेटिव का माना है कंपेयर, कंपेयर करना, एक को दूसरे से कंपेयर करना, एक शख्स को दूसरे से कंपेयर करना, एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करना, एक किसी बुक को दूसरे बुक से कंपेयर करना, एक लड़के को दूसरे लड़के से कंपेयर करना, एक लड़की को दूसरे लड़के से कंपेयर करना, एक औरत को दूसरे औरत से कंपेयर करना, एक फैन को दूसरे फैन से कंपेयर करना, यस जो भी चीज हो उसको दूसरे से कंपेयर करना, एक से दूसरे को मिलाकर बात करना, इसे कंपेयर करना, इसे वो कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री। समझ गए? आप देखना इसके अंदर चेंज क्या करना पड़ेगा। आप सुना, हमने कहा शी इज अ क्लेवर, शी इज अ क्लेवर, वो लड़की, वो होशियार है, वो होशियार है। हमने सिफत क्या बयान की, एडजेक्टिव क्या बयान किया, एडजेक्टिव क्लेवर। अब क्लेवर हमने बयान किया, अब उसको शी को दूसरे शी से मिलाना पड़ेगा। यस मिलाने के बाद वो जो हमने एडजेक्टिव बयान किया, एडजेक्टिव क्या बयान किया हमने, क्लेवर, इस क्लेवर को ईआर जुड़ाना पड़ेगा लास्ट में ईआर क्लेवरर कहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लेवरर, शी इज अ क्लेवरर। जब क्लेवर को ईआर लगाएंगे लास्ट में तो उसके आगे देन यूज करेंगे, देन, टी एच ए एन, देन। कैसे देखो थोड़ा ध्यान से सुना, शी इज अ क्लेवरर देन हिम, शी इज अ क्लेवरर देन हिम। हिम कहा तो लड़का होगा, लड़की से मिलाएंगे, शी इज अ क्लेवरर देन हर, हर कहना पड़ेगा लड़की को, लड़का रहा तो हर, लड़का रहा तो हिम, लड़की रही तो हर। अब लड़की को लड़की से कंपेयर करेंगे, शी इज अ क्लेवरर देन हर, वो इससे होशियार है। ओके दिस मेड द कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री भी। फिर थोड़े एग्जाम्पल्स देंगे हम, He is a good boy. ये लड़का अच्छा है, ये अच्छा लड़का है। लड़के के बारे में एडजेक्टिव क्या बयान किया? गुड। अब गुड का सेकेंड, अब तो इसे तो ई आर नहीं लगाएंगे, इसका सेकेंड है बेटर, इसे बेटर करना पड़ेगा। एक आसान तरीका हम दिखा रहे थे लेकिन ये थोड़ा हार्ड जाएगा, थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा देखो। This boy is a fat. ये लड़का मोटा है, मोटा, ये लड़का मोटा है। This boy is a fat. ये लड़का मोटा है। इस लड़के के बारे में एडजेक्टिव क्या कहा? मोटा। मोटे के लिए हमने क्या यूज किया? फैट। अब इस लड़के को दूसरे लड़के से मिलाना पड़ेगा, तो मिलाते वक्त जब मोटा यूज किया, मोटा, फैट, फैट को ईआर जुड़ाना पड़ेगा, फैटर, फैटर, उसके बाद देन यूज करना पड़ेगा। दिस बॉय इज अ फैटर देन दिस बॉय, दिस बॉय इज अ फैटर देन दिस बॉय, ये लड़का इस लड़के से मोटा है। दिस इज अ कंपेरेटिव डिग्री। ओके नाउ वी शैल बी लर्न सुपरलेटिव, सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। अब जो हमने फैट यूज किया पहले बातों हमने मोटा कहा, he is a fat boy, ये मोटा लड़का, ये डिग्री कौन सी हुई? बातों में यूज किया, बातों में जो तारीफ करते हम, तारीफ करते अच्छा ही करते या बुरा ही करते, ये तारीफ करते, बातों में जो हम तारीफ करते वो डिग्री होती है पॉजिटिव। अब उस तारीफ को हमने दूसरे से मिलाकर कहा, तो इस तारीफ को दूसरे से मिलाकर कहा तो वो कंपेरेटिव डिग्री, कौन सी? कंपेरेटिव। दिस बॉय इज अ फैटर देन दिस बॉय, ये कंपेरेटिव। अब इस लड़के को आखिरी कहना है, ये लड़का सबसे मोटा है, ऐसा कहना हो तो हमने क्या यूज किया? फैट। फैट को क्या जुड़ाया हमने? ER। तो जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो ER नहीं जुड़ाएंगे, EST जुड़ाएंगे, EST लास्ट में जुड़ाएंगे, EST। फैटेस्ट क्या कहना पड़ेगा? फैटेस्ट।
जब ईएसटी जुड़ाएंगे तो ग्रामर कहता है बिफोर ईएसटी काइंड, ईएसटी जुड़ाने की शक्ल के पहले जिसको हमने ईएसटी जुड़ाया उसके पहले दी आर्टिकल यूज करें, टी एच ई दी हमने कहा था आर्टिकल में। अब ये सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी हमने जुड़ाया उसके पहले दी आर्टिकल यूज करना कंपल्सरी है। इफ वी आर नॉट यूजिंग देन दैट इज आउट ऑफ द ग्रामर, आवर मार्क पेपर लिस्ट फ्रॉम पेपर आंसर पेपर आवर डिडक्शन बिकम द डिडक्शन आवर मार्क, हमारे मार्क कम पड़ते कम हो जाते पेपर में से अगर हमने ग्रामर कुछ का कुछ कहाँ का कहीं यूज किया। तो इसे जरा केयरफुली सीखना, बार बार देख देख कर सीखना। देखो अगर किसी एडजेक्टिव को अगर कंपेरेटिव बनाना कंपेरेटिव उस एडजेक्टिव को ईआर लगाकर उसके आगे देन यूज करना, उसके आगे जो लड़का है उस लड़के को दूसरे से मिला, लड़का हो आदमी उसे दूसरे से मिलाना, ये होगा कंपेरेटिव। सुपरलेटिव में उस एडजेक्टिव को ईएससी लगाएंगे, ईएससी लगाने से पहले दी आर्टिकल यूज करेंगे। अब हमने शुरुआत से देखते हैं, देखो दिस बॉय इज अ फैट, ये बातों बातों में कहा पॉजिटिव डिग्री, दिस बॉय इज अ फैटर फैटर देन हिम, ये लड़का इससे मोटा है ना, ये पॉजिटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव, दिस बॉय इज दी आर्टिकल यूज करें पहले, दिस बॉय इज द फैटेस्ट, फैट को ईएससी लगाएंगे, दिस बॉय इज द फैटेस्ट इन द होम, ये लड़का घर में सबसे मोटा है, घर में सबसे मोटा है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री। ओके सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी सिफत को लास्ट में ईएससी लगाएंगे और उसके पहले दी आर्टिकल यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। आई थिंक यू अंडरस्टूड, समझ गए शायद, ओके आई थिंक यू अंडरस्टूड, डिड नॉट अंडरस्टैंड देन बैक 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 एंड वॉच 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 बैक एंड वॉच बैक एंड वॉच बैक एंड वॉच ओके वॉच ओके सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़कर सुनाएंगे हम, सम इंस्टेंस ओके। ध्यान से सीखना, केयरफुली स्टडी करना, स्टडी करने के बाद अपने ख्यालात इस पर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजना, ओके ये याद रखो। ओके अभी कुछ इंस्टेंस, पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, अब कुछ प्रैक्टिस के लिए। स्वीट मीठा, स्वीट मीठा, इट्स अ पॉजिटिव, स्वीटर देन से मीठा, कंपेरेटिव दी स्वीटेस्ट, सबसे मीठा बिग बड़ा, वो बड़ा है, ही इज अ बिग, बिगर देन ही इज अ बिगर देन हिम, ही इज अ बिगर देन हिम, ये उससे बड़ा है, कंपेरेटिव ही इज द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा है, इट इज द बिगेस्ट। अब बड़ा अब यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे जबान से निकला कि ही इज द बिगेस्ट, ही के लिए क्या बड़ा, कौन सा बड़ा, अब ही का ये बड़ा ऑफिसर, ही दी बिगेस्ट ऑफिसर, यस घर में बड़ा हो तो एल्डेस्ट कहेंगे, एल्डेस्ट दी एल्डेस्ट, एल्डर मीन्स बड़ा, एल्डर मीन्स एल्डर देन मी, मेरे से बड़ा, दी एल्डेस्ट सबसे बड़ा, ओके यस सर। स्मॉल छोटा, आई एम अ स्मॉल, मैं छोटा हूँ, इट्स अ पॉजिटिव, डिग्री। अब कंपेरेटिव कहने कहते वक्त मुझे दूसरे से मिलाना पड़ेगा और स्मॉल को ईआर लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद देन यूज करना पड़ेगा, आई एम अ स्मॉलर देन यू, मैं आपसे छोटा हूँ, यस। वैसे छोटे बड़े में एज के बारे में कहना हो तो यंग कहेंगे, आई एम अ यंगर देन यू, मैं आपसे छोटा हूँ, आई एम अ यंग, जवान को भी यंग कहते हैं, छोटे को भी यंग कहते हैं, एज के एक घर में अगर छोटे बड़े हो, बड़े को एल्डर कहेंगे, छोटे को यंग कहेंगे, यस छोटे को यंग, तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो यंग कहेंगे, यस। लेकिन बच्चे बच्चे अगर छोटे तो दिस चाइल्ड इज अ स्मॉल, ये बच्चा छोटा है, एंड दिस चाइल्ड इज अ स्मॉलर देन दिस चाइल्ड, ये लड़का इस लड़के से छोटा है, स्मॉलर, स्मॉल को ईआर लगाया, स्मॉलर देन दिस चाइल्ड, स्मॉलर लगाने के बाद देन यूज करेंगे, देन दिस चाइल्ड, ये लड़का इससे छोटा है, इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री, दिस चाइल्ड इज द स्मॉलेस्ट इन दिस सिटी, ये लड़का सिटी में सबसे छोटा है, इट्स अ
सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ओके। व्हाइट, व्हाइट में सफेद, माय टीथ आर व्हाइट, मेरे दांत सफेद है, बातों बातों में हमने तारीफ की सफेद, मेरे दांत सफेद है, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री। आप कंपेरेटिव, माय टीथ आर व्हाइटर, व्हाइट को ईयर लगाना पड़ेगा, व्हाइटर देन योर टीथ, मेरे दांत आपके दांत से सफेद है, माय टीथ आर व्हाइटर देन योर टीथ, मेरे दांत आपके दांत से सफेद है, इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री ओके। माय टीथ आर दी व्हाइटेस्ट, दी व्हाइटेस्ट जब ईएसटी यूज करो उसके पहले दी आर्टिकल यूज करना पड़ता, माय टीथ आर दी व्हाइटेस्ट इन दी फैमिली, मेरे दांत फैमिली में सबसे सफेद है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ओके। चिप, दिस पेन इज अ चिप, ये पेन सस्ती है, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, दिस पेन इज अ चीपर देन, आप चीप को ईयर ईयर लगाना पड़ेगा कंपेरेटिव बनाना हो तो, अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डिग्री में कभी हार्ड नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये आपके जब आपकी जो एग्जाम्स होते हैं तो उस एग्जाम में कभी क्वेश्चन पड़ेगा तो हार्ड नहीं जाएगा, इसका अच्छा प्रैक्टिस करना, एक एक चीज़ को लेकर जैसे हम प्रैक्टिस करके दिखा रहे वैसे प्रैक्टिस घर पर करना ओके। दिस पेन इज अ चीप, ये पेन सस्ती है, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, दिस पेन इज अ चीपर, ईयर लगाएंगे, दिस पेन इज अ चीपर देन दैट पेन, इस पेन को दूसरे पेन से मिलाना पड़ेगा कंपेरेटिव में, दिस पेन इज अ चीपर देन दैट पेन, ये पेन उस पेन से सस्ता है, इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री, दिस पेन इज द चीपेस्ट, दिस पेन इज द चीपेस्ट एट द शॉप, ये पेन दुकान पर सबसे सस्ती है, सबसे सस्ती है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री यस। क्लीन, साफ, दिस हॉल इज अ क्लीन, ये हॉल साफ है, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, दिस हॉल इज अ क्लीनर देन, क्लीनर देन अनदर हॉल, ये हॉल दूसरे हॉल से साफ है, इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री, दिस हॉल इज द क्लीनेस्ट इन दिस सिटी, ये हॉल शहर में सबसे साफ है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ओके। हेवी, अनवर इज अ हेवी, एक एग्जाम्पल नाम लेंगे अनवर, अनवर इज अ हेवी, अनवर वजनदार है, तारीफ किया हम वजनदार है, अच्छी बुरी दोनों दोनों तरीके की तारीफ होती है, अनवर इज अ हेवी, अनवर के बारे में एडजेक्टिव सिफत क्या कहा हमने, हेवी वजनदार है, अनवर इज अ हेवी, अनवर वजनदार है, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कितनी बातें करते दिन भर पॉजिटिव डिग्री में, बहुत सारी बातें करते, अनवर इज अ हेवी, अनवर इज अ हेवी, अनवर वजनदार है, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, अनवर इज अ हेवियर देन अतीक, अनवर अतीक से वजनदार है, इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री, एंड अनवर इज द हेवियस्ट, दी यूज करेंगे उसके आगे एसटी लगाएंगे, अनवर इज द हेवियस्ट इन द क्लास, अनवर क्लास में सबसे वजनदार है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ओके। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ये पूरी डिग्री समझ गई, ना समझे तो इसे बैक बैक करके देखते रहेंगे और स्टडी करते रहेंगे ओके। चलो आगे देखते हैं, अगर इसी डिग्री में ऐसे ही हमें बात डिग्री में बात करते करते हमें कहना कि ये पेन मेरी पेन सस्ती है, मेरी पेन आपसे ज़्यादा सस्ती है, आपसे ज़्यादा सस्ती है, तो इसके लिए डिग्री में कुछ चेंज करना पड़ेगा, दूसरा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा के लिए ओके। हमने इसके पहले ज़्यादा का प्रैक्टिस नहीं किया, हमने कहा मेरी पेन आपसे सस्ती है, आपसे सस्ती, आप कहना है कि आपसे ज़्यादा सस्ती है, फिर लास्ट में आखिरी में कहना है कि मेरी पेन सबसे ज़्यादा सस्ती है। इसके पहले हमने सीखा सबसे सस्ती है, इसके पहले हमने क्या सीखा सबसे सस्ती है, आप हमें सीखना है कि मेरी पेन सबसे ज़्यादा सस्ती है, सस्ती है, मेरी पेन सबसे ज़्यादा सस्ती है। ज़्यादा के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, लिसन केयरफुली, अब ज़्यादा के लिए हमें मोर यूज़ करना पड़ेगा, मोर,
मोर यूज करना पड़ेगा. इफ यू आर यूजिंग मोर इन द सेंटेंस देन नीड नॉट टू सफिक्स ईआर इन द एंडिंग ऑफ द एडजेक्टिव. अगर हमने मोर यूज किया सेंटेंस में तो एडजेक्टिव को ईआर लगाने की जरूरत नहीं है. पहले हमने से पहले फैट को फैटर ईआर लगाया, वाइट को वाइटर ईआर लगाया, क्लेवर को क्लेवर ईआर लगाया, लगाकर बात किया ना कंपेरेटिव में. अब कंपेरेटिव में मोर यूज करेंगे तो ईआर एडजेक्टिव को ईआर लगाने की जरूरत नहीं है. एडजेक्टिव को ईआर लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखो. मोर यूज करेंगे एडजेक्टिव एज इट इज यूज करेंगे, उसके बाद देन यूज करेंगे. ओके चलो एग्जांपल्स देखेंगे. ब्यूटीफुल, आई एम अ ब्यूटीफुल, मैं खूबसूरत हूं. इट्स अ पॉजिटिव डिग्री. ओके अब कंपेरेटिव बनाना है ज्यादा कहने के लिए. आई एम अ मोर ब्यूटीफुल देन यू, मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ. ओके इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री. अब सुपरलेटिव में क्या करेंगे, मोर का सेकेंड काइंड मोस्ट क्या है, मोस्ट है, मोस्ट यूज करना पड़ेगा. तो मोस्ट यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी नहीं लगाएंगे. इफ वी आर यूजिंग मोस्ट इन द सेंटेंस इन द डिग्री देन नीड नॉट टू सफिक्स ईएसटी इन द एंडिंग ऑफ द एडजेक्टिव. ओके if we are using most in the sentence in degree then before of most compulsory to using the article. okay dekho jab bhi hum most use kar rahe sentence mein degree mein jab bhi to us most ke pehle the article use karna compulsory humne kare grammar keh raha hai the article use karna hi hai. okay kyunki ye superlative. ab dekhenge I am a beautiful, main khoobsurat hu, it's a positive degree. I am more beautiful than you. मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ. It's a comparative degree. I am the most beautiful in the class. मैं क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ. It's a superlative degree. Superlative degree. Curious. अब curious का मतलब curious. CURIOUS. curious का माना है जिद्दी. ये बड़ा काम का वर्ड है. जितने देख रहे हो कुछ, अगर इसके अंदर कुछ औरतें अगर देख रही हो तो बड़े खुश हो रहे होंगे. घर के बच्चे बड़े जिद्दी है, हमारे घर का लड़का बड़ा बच्चा बड़ा लड़का जिद्दी है, छोटी लड़की जिद्दी है, हमारा भाई जिद्दी है. कुछ बच्चे अगर देख रहे हैं, बच्चे भी कह रहे होंगे कि हाँ जिद्दी बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा वर्ड है. यस हमारा मेरा भाई जिद्दी है, मेरी बहन जिद्दी है, जिद्दी बड़ा. देखो तो खुश होने वाली बात है क्योंकि न्यू वर्ड्स हमें मिल रहे हैं. जिद्दी को कहेंगे क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस मीन्स जिद्दी. देखो माई ब्रदर इज अ क्यूरियस, मेरा भाई जिद्दी है. माई ब्रदर इज अ क्यूरियस, मेरा भाई जिद्दी है. इट्स अ पॉजिटिव डिग्री. माई ब्रदर इज मोर क्यूरियस देन योर ब्रदर, मेरा भाई आपके भाई से ज्यादा जिद्दी है. इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री. एंड माई ब्रदर इज द मोस्ट क्यूरियस इन योर फैमिली, मेरा भाई आपके फैमिली में सबसे ज्यादा जिद्दी है. इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री. ओके इफेक्टिव असरदार. अब ये जो वीडियो देख रहे हैं हम, ये हमारे आई थिंक हमारे ख्याल से आई थिंक दिस वीडियो इज इफेक्टिंग एट योर हार्ट, आपके दिल पर इसका असर हो रहा शायद. यस तो कहो ये वीडियो असरदार है. दिस वीडियो इज अ इफेक्टिव. ये वीडियो असरदार है. इट्स अ पॉजिटिव डिग्री. दिस वीडियो इज अ मोर इफेक्टिव देन अनदर वीडियो, ये वीडियो दूसरे वीडियो से ज्यादा असरदार है. इट्स अ comparative degree. And this video is the most effective. This video is the most effective in the YouTube. ये video YouTube में सबसे ज्यादा असरदार है. It's a superlative degree. Okay? Yes, सही है ना. अगर सच है तो मान लो, गलत है तो no problem. Yes? चलो आगे चलते.
एक्सपेंसिव। चलो अभी कहना कि हमें ये मेरा हमारा मोबाइल महंगा है, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, एक्सपेंसिव, यस, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, दिस मोबाइल इज एक्सपेंसिव, ये मोबाइल महंगा है, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, दिस मोबाइल इज मोर एक्सपेंसिव देन अनदर मोबाइल, ये मोबाइल दूसरे मोबाइल से महंगा है, इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव डिग्री है, दिस मोबाइल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द मार्केट, ये मोबाइल मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री, ओके। फेमस, अब फेमस मीन्स मशहूर, चलो एग्जांपल ले लेते, अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं हम, ये वीडियो SBS स्पोकन इंग्लिश का, SBS स्पोकन इंग्लिश, अब ये कहाँ का है, कौन सा है पता नहीं, बट ये क्लास है, फेमस है, यस, तो समझ लो ये क्लास फेमस है, यस, मान लो ये क्लास फेमस है, रिगार्ड दिस वन क्लास इज फेमस, ओके, तो इसका एग्जांपल लेंगे हम, इसका एक सेंटेंस बनाकर पेश करेंगे, दिस SBS क्लास इज अ फेमस, SBS क्लास इज अ फेमस, SBS क्लास मशहूर है, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री में बात किया हमने, ये जो बात किया हमने पॉजिटिव डिग्री में बात किया, SBS क्लास इज मोर फेमस देन, फेमस देन, SBS क्लास इज मोर फेमस देन अनदर स्पोकन, SBS क्लास दूसरे स्पोकन से ज्यादा फेमस है, इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री, SBS क्लास इज द मोस्ट फेमस इन द सिटी, यस, SBS क्लास शहर में सबसे ज्यादा मशहूर है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री, यस, ओके, तो दिस वाज टुडे आवर स्टडी, आज का हमारा यह स्टडी था, ओके, टुडे आवर स्टडी वाज डिग्री, डिग्री हमने सीखा, आई थिंक यू लर्न इजीली, हमने हमारे ख्याल से कि आपने आसानी से सीख लिया और सीख गए, और ना सीखो तो भी लिखो कमेंट्स बॉक्स में, अगर सीखो तो भी लिखो कमेंट्स बॉक्स में, आई शैल बी फील दी हैप्पी, आपका कमेंट्स को देखकर पढ़कर खुशी होगी कि बच्चे समझ रहे हैं, अगर इफ़ यू आर फीलिंग डिफिकल्टीज ऑल्सो राइट इन द कमेंट्स बॉक्स, इफ यू आर फीलिंग ईजी ऑल्सो देन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स, देन आई शैल बी हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स योर ओपिनियन, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सर इन आवर सप्लिकेशंस ऑल प्रेयर्स, अपने दुआ में सर को याद रखो, एंड मच मोर अगेन वॉच द SBS स्पोकन दिस क्लिप दिस वीडियो दिस माई चैनल इज द दिस चैनल इज द स्टोर ऑफ द इंग्लिश नॉलेज, ये चैनल इंग्लिश के नॉलेज का स्टोर है, ओके, देखते रहिए SBS स्पोकन, ओके, देखते रहिए SBS स्पोकन, एंड प्लीज रिमेंबर टू दिस सर इन द एवरी सप्लिकेशन, हर दुआ में सर को याद रखिए, एंड ओके, एंड मिलते रहिए, एंड देखते रहिए, एंड सी यू अगेन अगेन, अस्सलामु अलैकुम।